अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बीएस माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम से मुतालिक। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, पाकिस्तान में इसका स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, इसके अलावा इस प्रोग्राम में एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और पाकिस्तान में वो कौन कौन सी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बीएस माइक्रोबायोलॉजी का 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफर होता है, तो ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट include bacteria, viruses, fungi, algae and protozoa. It is a branch of biology that focuses on the structure, function, classification and behavior of these tiny organisms. yani aise tamam microorganisms jo aam insani aankh se nazar nahi aate hain to microbiology in sab ki studies karti hai. aur microbiology mukhtalif shoba jaat mein bahut aham role play karti hai, jaise ki medicine, pharmaceuticals, food and beverage production, environmental science, biotechnology and infectious disease research. it also helps to identify and study pathogens, develop vaccines, antibiotics and antiviral drugs, study microbial evolution and understand the role of microorganisms in the ecosystems. aur microbiology ke program ka shumar biological sciences ke behtareen programs mein hota hai. pakistan mein kafi zyada aisi universities hain jahan bs microbiology ka program offer kiya ja raha hai aur fsc pre medical ke students microbiology ke program ko tarjeeh dete hain. aur bs microbiology ka program complete karne ke baad aapke liye jo job opportunities available hongi to inme sabse pehle ye ki aap healthcare industry mein job kar sakte hain, jaise ki hospitals and clinics mein आप क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपके लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट और प्राइवेट लैब्स में आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में जॉब होती है, एग्रीकल्चर एंड सॉइल साइंस, इसके अलावा वाटर इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज में आपके लिए जॉब्स होंगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यानी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, रेगुलेटरी अफेयर्स, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरीज और मुख्तलिफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल बीएस माइक्रोबायोलॉजी खासा वैल्यूबल डिग्री प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपके लिए मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब होती है तो ऐसे केस में आपको 17 स्किल की जॉब ऑफर की जाती है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करने में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे केस में इस प्रोग्राम की अगर हम तफसीलात देखें तो ये 4 ईयर्स का बैचलर प्रोग्राम होता है जिसके बाद आगे आप फर्दर एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये कि सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ही बीएस माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं और आपके कम से कम इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम की कोई भी पर्टिकुलर काउंसिल नहीं है और ऐसे तमाम इदारे जो हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड हैं तो वो ये प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हैं तो वहाँ भी बीएस माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री ऑफर हो सकती है और इस प्रोग्राम में एडमिशन का कोई भी पर्टिकुलर एंट्री टेस्ट नहीं होता है और ये यूनिवर्सिटी की अपनी चॉइस है कि वो चाहे तो विदाउट एनी एंटी टेस्ट एडमिशन दे दे या चाहे खुद का एंटी टेस्ट कंडक्ट कर ले। और पाकिस्तान में 90% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बगैर किसी एंटी टेस्ट के बीएस माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ऑफर करती हैं। इसके बाद पाकिस्तान की उन तमाम यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करें जहां पर बीएस माइक्रोबायोलॉजी का 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में 93 यूनिवर्सिटीज में यह डिग्री ऑफर होती है जिनमें 61 यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट सेक्टर की हैं जबकि रिमेनिंग 32 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं और यहां इन तमाम यूनिवर्सिटीज को प्रोविंस और सेक्टर वाइज अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले अगर पंजाब की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को देखें तो इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर जहां बीएस माइक्रोबायोलॉजी का 4 ईयर प्रोग्राम ऑफर होता है और यहां एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अपना खुद का एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है। इसके बाद कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी बीएस माइक्रोबायोलॉजी ऑफर होती है और यहां एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में बीएस माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है और जीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट लेती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स के इस्लामाबाद कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफर होता है और यहाँ एडमिशन के लिए नम्स का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा आप एमडी कैट या नम्स एमडी कैट की बुनियाद पर भी दाखिला ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूवास लाहौर और इसका कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग कैंपस और खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नारोवाल यहाँ माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है और एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान इन दोनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर नहीं होता। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर और इसका रहीमियार खान कैंपस यहाँ बीएस माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है और एडमिशन के लिए चाहे तो आप एमडी कैट या एनटीएस नेट या यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमियार खान,
खान, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी बहावलपुर, MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, दी वुमन यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, इमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग, कोहसार यूनिवर्सिटी मरी और यूनिवर्सिटी ऑफ लिया। इस तरह पंजाब की टोटल 25 गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जहां BS माइक्रोबायोलॉजी ऑफर होती है। इसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर में मीरपुर यूनिवर्सिटी, दी यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट और वुमन यूनिवर्सिटी बाग, और बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज क्वेटा, और सरदार बहादुर खान विमेंस यूनिवर्सिटी क्वेटा में BS माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर होता है। KPK की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पिशावर, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का मर्दान और तीमरगढ़ कैंपस, कॉमसर्स यूनिवर्सिटी का एबटाबाद कैंपस, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोहाट और हंगू कैंपस, और गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में BS माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री ऑफर की जा रही है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, एबटाबाद यूनिवर्सिटी, हजारा यूनिवर्सिटी मानसेहरा, दी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर, शहीद बेनजीर भुट्टो विमन यूनिवर्सिटी पिशावर, PAF इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरिपुर, बाजा खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी और यूनिवर्सिटी ऑफ सवात, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगत, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सवात, विमन यूनिवर्सिटी मर्दान और विमन यूनिवर्सिटी सवाबी, और इसके अलावा फाटा यूनिवर्सिटी FR कोहाट। और इसके बाद सिंध की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर, GC यूनिवर्सिटी हैदराबाद और शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनजीराबाद। तो इस तरह ये टोटल 61 गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं जहां BS माइक्रोबायोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, और रिमेनिंग 32 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती हैं और यहां भी ये डिग्री ऑफर की जाती है। इनमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज पंजाब में हैं। इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर, UMT का लाहौर और सियालकोट कैंपस, शिफात आमिर मिलत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, कैपिटल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद लाहौर, गैरिजन यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, ISAD यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट, करशी यूनिवर्सिटी लाहौर, गुलाब देवी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स लाहौर, ब्राइट इंटरनेशनल कॉलेज लाहौर, गाजी नेशनल इंस्टीट्यूट डेरा गाजी खान, सहारा कॉलेज नारोवाल, अलशिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नारोवाल, केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान, लईक रफीक इंस्टीट्यूट मुल्तान, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का साहिवाल और बूरेवाला कैंपस, इस बार KPK में सिटी यूनिवर्सिटी पिशावर, सिकॉस यूनिवर्सिटी और अब्बासी यूनिवर्सिटी पिशावर, जबकि सिंध में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची, इकरा यूनिवर्सिटी कराची, हमदर्द यूनिवर्सिटी और जिनाह यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन।